नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कोलीग्स। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस समय जुलाई 2022 सत्र के एडमिशंस भी चल रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी ने आप सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, फील्ड की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए और रोचक एवं साथ में रोजगारोपनक, जिनसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऐसे ढेरों प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, शुरू किया है। और हमारी यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं कि 1985 से इंडिया का जो हमारा पार्लियामेंट है उसके एक एक्ट के तहत स्थापित की गई थी, और 1987 से हम आप सभी के लिए एकेडमिक प्रोग्राम्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हम ऑफर करते चले आ रहे हैं। और 1987 में हमने दो प्रोग्राम्स से शुरू की थी, और आज की तारीख में हमारी यूनिवर्सिटी 200 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स आप सभी के लिए लेकर आई है। और 1987 में हमारी यूनिवर्सिटी का जो पहला बैच था उसमें 4,528 बच्चों ने दो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया था। दो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में हमारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, और जो थे डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। लेकिन उसके बाद से हमारी जो एकेडमिक जर्नी है वो बहुत आयाम स्थापित करते हुए, नए नए आयाम स्थापित करते हुए, और बहुत बुलंदियों को और बहुत ऊंचाइयों को स्थापित करते हुए हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमाज हैं, पीजी डिप्लोमाज हैं, बैचलर डिग्रीज हैं और मास्टर्स डिग्रीज हैं। इनके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट में पीएचडी प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को बताते हुए कि आज की तारीख में हमारे देश और विदेशों में सभी विद्यार्थियों को, अगर हम उनकी संख्या के बारे में अगर हम बात करें, तो लगभग 35 लाख विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से आज की तारीख में भी जुड़े हुए हैं, और लगभग इतने ही विद्यार्थी 1987 के बाद से अभी तक लगभग 30-35 लाख विद्यार्थी अपना अपना डिग्री डिप्लोमा पास करके वो अपने शैक्षणिक योग्यताएं भी बढ़ा चुके हैं, और वो अपने सपने साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और साथियों, आज ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 200 से भी ज्यादा प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं, स्टूडेंट्स उनमें दाखिला ले रहे हैं, तो ऐसा ही हमारा एक पीजी सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो इग्नू हेडक्वार्टर है वहां पर वी आर हैविंग 21 स्कूल्स ऑफ स्टडीज, जिसमें से एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल है जिसका नाम है स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग। और जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमारा ये जो स्कूल है ये विशेष तौर पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड योग्यताओं को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आप सभी को ऑफर करता है। और ऐसा ही एक प्रोग्राम है हमारा जिसका नाम है PGCAR, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज स्कूल के डायरेक्टर और स्कूल के एक फैकल्टी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे सर का स्वागत करता हूँ, और मैडम ज्योति चावला का मैं स्वागत करता हूँ। आप दोनों ने हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला, आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। और मैं प्रोफेसर पांडे सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज वो थोड़ा सा स्कूल के बारे में, स्कूल के एक्टिविटीज के बारे में और जो स्कूल के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हमारे विद्यार्थियों को, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको डिफरेंट जो जानकारियां हैं स्कूल के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में, तो प्लीज संक्षिप्त में हमारे विद्यार्थियों को उनसे अवगत कराएं। जी पांडे सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी, अशोक शर्मा जी, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली एक, डॉक्टर शर्मा जी, हमारी सहकर्मी डॉक्टर ज्योति चावला जी, प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम आप लोगों के साथ
स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग इग्नू के द्वारा की जा रही गतिविधियां और संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। मुझे खुशी है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यापीठ द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने का प्रयास करें। जैसा मैंने बताया कि स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग ये एक सर्टिफिकेट स्तर से लेकर के पीएचडी स्तर के कार्यक्रमों की श्रृंखला से बंधा हुआ एक विद्यापीठ है। मुख्यतः हम एमए ट्रांसलेशन स्टडीज जो इसका सेंट्रल प्रोग्राम है और पीएचडी और सर्टिफिकेट पीजी डिप्लोमा अन्य कार्यक्रम है। छात्रों की संख्या और रुचि पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में बहुत है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आशा है आप अन्य कार्यक्रमों में भी ऐसी रुचि दिखाएंगे। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज 2009 में वास्तव में अस्तित्व में आया। वैसे सैद्धांतिक रूप से इसकी रचना 2007 में हो चुकी थी, लेकिन हम सभी संकाय सदस्यों की जो नियुक्ति की प्रणाली है वो दिसंबर 8 में पूरी हुई और हम लोगों ने जनवरी फरवरी 2009 में कार्यभार ग्रहण किया। तब से हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें जब ये विद्यापीठ बना तत्काल एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज फेस टू फेस मोड में चला और उसके साथ साथ ओडीएल कार्यक्रम बनाने की हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी। जनवरी 2015 से एमए ट्रांसलेशन स्टडीज ओडीएल के रूप में संचालित हो रहा है। इसके साथ साथ ये वर्तमान में एमए ट्रांसलेशन स्टडीज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी संचालित हो रहा है। हमारे यहाँ एमफिल का कार्यक्रम भी संचालित हो रहा था, एमफिल इन ट्रांसलेशन, लेकिन जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम बने कि एमफिल को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो हमारा विद्यापीठ भी उसी गति में बढ़ा। अब पीएचडी इन ट्रांसलेशन स्टडीज ये संचालित है और हमारे करीब 30 विद्यार्थी पीएचडी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जिसका अभी रिवीजन हुआ और जुलाई 22 से ये रिवाइज्ड वर्जन में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। इसके अतिरिक्त पीजी डिप्लोमा इन सिंधी हिंदी ट्रांसलेशन ये भी संचालित हो चुका है जनवरी 22 से। पीजी सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण, जिस पर आज हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, ये जनवरी 22 से संचालित हो रहा है। उसकी जो समन्वय का दायित्व तो हमारी साथी डॉक्टर ज्योति चावला ने संभाला है, उसके विषय में विस्तार से वे बताएंगी। इसके अतिरिक्त अभी जुलाई 22 से ही 2-3 अन्य कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिंधी पाठ्यक्रम सिंधी भाषा शिक्षण 2 क्रेडिट का ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है। जैसा मैंने पहले बताया एमए ऑनलाइन चल ही रहा है, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज पूरा ऑनलाइन मोड में और ओडीएल में चल रहा है। इसके अतिरिक्त 6 क्रेडिट का एक पाठ्यक्रम एमआईएल सिंधी का संचालित हो रहा है बीए जनरल के अंतर्गत। एक अन्य बहुत ही रोचक और ध्यान आकृष्ट करने वाला कार्यक्रम जो इस समय की मांग है, एन इंट्रोडक्शन टू मशीन ट्रांसलेशन 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम जो बीए जनरल के अंतर्गत है वो संचालित होगा, चल रहा है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी 2 अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत 2 प्रमुख अन्य कार्यक्रम भी हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के लैंग्वेज पेयर पर आधारित है, पीजी सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन, पीजी सर्टिफिकेट इन मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन। ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से संचालित हो रहे हैं, ये हमारी गतिविधियां हैं। इसके अतिरिक्त हम ट्रेनिंग मैनुअल्स भी बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं और अन्य सेमिनार सिंपोजिया प्रोग्राम डेवलपमेंट ये विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के
तहत हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसमें शैक्षणिक है, दूसरे विश्वविद्यालयों से भी हम लोग जुड़े हैं विशेषज्ञ के रूप में। ये संक्षेप में हमारी कार्य प्रणाली है। विश्व की श्रेष्ठतम संस्थाओं UGC UPSC आदि से भी हमारे संकाय सदस्य जुड़े हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम लोगों ने लेखन प्रकाशन और कई सिलेक्शन कमिटीज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वेरियस डायमेंशंस हम लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। और हम पूरा प्रयास करते हैं विश्वविद्यालय की कम्युनिटी लाइफ में भी हम, मैं और हमारे संकाय सदस्य उससे जुड़े हुए हैं। और हम लोग तो आपको जैसा पता ही एक समिति के हम लोग साथी हैं, उसमें जुड़े हुए हैं रिसर्च काउंसिल, ऐसे अनेक समितियों के साथ हम, मैं और हमारे सारे संकाय सदस्य विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं, कम्युनिटी लाइफ में भी जुड़े हुए हैं। और ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन के साथ साथ हम ODL के विभिन्न आयामों के साथ साथ हम ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, विभिन्न प्रणालियों से हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। MOOCs के स्वयं के वीडियोस के माध्यम से भी हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हमारे साथी डॉक्टर अशोक शर्मा जी का और हमारी सहकर्मी डॉक्टर ज्योति चावला जी का कि ये अच्छा आयोजन इन्होंने तैयार किया। विशेष रूप से धन्यवाद RC1 के डायरेक्टर हमारे साथी डॉक्टर शर्मा जी का। तो आशा है ये कार्यक्रम उपयोगी होगा, हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है स्कूल के बारे में, डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में और स्कूल के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, तो हमारे सभी विद्यार्थियों को, हमारे कुलीग्स को और हमारे श्रोताओं को उस जानकारी से बहुत लाभ पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर। और डियर स्टूडेंट्स, अब मैं थैंक यू सर डियर स्टूडेंट्स अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर ज्योति चावला मैडम को, जो हमारे स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और मैडम जो है इग्नू से 2009 से जुड़ी हुई हैं। और मैडम की जो एजुकेशन है BA MA MPhil और PhD वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, DU से मैडम ने अपनी सारी पढ़ाई की है, BA MA MPhil PhD। तो मैडम आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे विद्यार्थियों को, जो हमारा प्रोग्राम है PG सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण, जिसको शॉर्ट में हम PGCAR बोलते हैं, आप हमारे सभी विद्यार्थियों को, हमारे श्रोताओं को प्लीज इस PG सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से जानकारी दें और उन विद्यार्थियों को बताएं कि इस कार्यक्रम को करने से उन्हें किस प्रकार से उनकी योग्यताओं में और उनकी स्किल्स में किस प्रकार से लाभ मिलेगा। जी मैडम ज्योति चावला प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, और सबसे पहले RC Delhi 1 का बहुत बहुत शुक्रिया कि स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज को उन्होंने ये मंच प्रदान किया कि हम अपने प्रोग्राम्स के बारे में और अपने पर्टिकुलर आज इस एक प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा हम विस्तार से कर सकें और अपने स्टूडेंट्स को हम आपके माध्यम से सीधे इंटरेक्ट कर सकें, उनसे सीधे संपर्क साध सकें। बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा कि मुझे PGCAR के बारे में बात करनी है, तो पांडे जी ने जैसा बताया कि स्कूल में ये कार्यक्रम मैं देख रही हूँ, ये मैं छोटी सी PPT बनाई है सर, मैं शेयर करूँगी आपके साथ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा एक डिटेल्ड व्यू मिले इसके बारे में कि प्रोग्राम क्या है और कैसे हम इसको रन कर रहे हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? मैम अभी विजिबल नहीं है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है? ये ज्योति जी अभी नहीं दिख रही है। नो इट्स नॉट विजिबल। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, मैंने अभी शेयर करके चेक किया था तो शेयर हो गई थी। हाँ उस समय दिख रही थी, अब तो नहीं हो रही। वन सेकंड, मैं बस एक सेकंड दीजिएगा।
अब दिख रही है सर? यस मैम, अब यस मैम आप दिखाई दे रही है। जी सर, तो एक हमारा ये प्रोग्राम है अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, और इसका प्रोग्राम कोड हमें अलॉट हुआ है PGCAR। जैसा कि बताया गया कि ये प्रोग्राम स्कूल की तरफ से मैं दे रही हूँ। डिटेल्स इसकी इस तरह से है कि सर ये एक पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसलिए इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है। क्योंकि एक पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ है और मैक्सिमम 2 साल, यानी कि जो स्टूडेंट 6 महीने के भीतर इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं वे मैक्सिमम 2 साल की अवधि के बीच इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ₹3,000 इसकी फी है और 16 क्रेडिट का एक कार्यक्रम है इसका स्टडी। जी मैम, सेकंड स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है अभी, फर्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड नहीं दिख रही है सर? नहीं मैम, स्लाइड चेंज नहीं हुई है मैम। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, मैं आपको कैसे बताऊं इसको, क्योंकि मैं तो शेयर कर रही हूं और मुझे दिख रही है यहाँ से, आप नहीं देख पा रहे मेरी स्लाइड मैम, केवल पहली ही दिखाई दे रही है। ज्योति जी डिटेल नहीं दिख रहा है, वो उसका स्लाइड इज नॉट मूविंग, दैट इज नॉट एक्सपेंडिंग, विस्तार नहीं हो रहा, पाला ही विस्तृत हुआ। अब दिख रहा है? यस मैम, आप अब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक्चुअली पीपीटी मोड में नहीं चल रहा, तो मैं स्लाइड वाइज दिखाती हूँ। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि ये पीजी सर्टिफिकेट कार्यक्रम है तो इसका एंट्री लेवल ग्रेजुएशन है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इस कार्यक्रम में अगर रुचि रखते हो, इस तरह के कार्यक्रम में रुचि रखते हो तो इस कार्यक्रम में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है और ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर्स, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी 6 महीने के भीतर इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी 2 साल के भीतर इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इसकी फी ₹3,000 है और ये 16 क्रेडिट का एक कार्यक्रम है जिसका स्टडी मटेरियल फिलहाल डिजिटल में अवेलेबल है। और यहाँ मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ, 4 पेपर हैं इसके अंदर, MTT 031 अनुवाद एवं रूपांतरण के विविध आयाम, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुवाद एवं रूपांतरण के अलग अलग आयामों पर। रूपांतरण क्या है, अनुवाद क्या है, और रूपांतरण और अंतर माध्यम अनुवाद में क्या संबंध है, और साथ ही अंतर माध्यम अनुवाद और रूपांतरण में के दौरान जो कॉपीराइट का इशू वो किस तरीके से आता है। मैं एक बार आपसे कोर्स स्ट्रक्चर शेयर कर लूँ, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की बात करूंगी आपके साथ। दूसरा पेपर है अनुवाद रूपांतरण एवं मुद्रित माध्यम, ये भी 4 क्रेडिट का पेपर है, और इसके अंतर्गत हम प्रिंट मीडिया और ट्रांसलेशन की बात करेंगे कि किस तरह प्रिंट मीडिया में जो अनुवाद किए जाते हैं और जो इसका ट्रेडिशनल स्वरूप है अनुवाद का, जो पारंपरिक अनुवाद का स्वरूप है, वे उससे किस तरीके से भिन्न है जब हम रूपांतरण में इसकी चर्चा करते हैं, यानी रूपांतरण और अनुवाद में क्या अंतर है, और रूपांतरण जब हम खासतौर पर प्रिंट लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो उसका रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, इसके अंतर्गत हम विज्ञापनों के रूपांतरण, कविता के रूपांतरण, कहानी का रूपांतरण, समाचारों का रूपांतरण, उपन्यास का रूपांतरण आदि विभिन्न साहित्यिक और गैर साहित्यिक विधाओं की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जब हम इन रचनाओं को विस्तृत या व्यापक उद्देश्यों के लिए जब इनका हम एडेप्टेशन करते हैं, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ही नहीं, एक प्रतीक से दूसरे प्रतीक में भी ले जाते हैं, तो वो किस प्रकार उसमें परिवर्तन होते हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। तीसरा पेपर है MTT 033 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम, और इसके अंतर्गत हम अपने जो हमारे प्रोग्राम का जो ओनस है, यानी जो हमारा जो केंद्रीय तत्व है, वह है स्क्रिप्ट लेखन। यानी जब कोई स्टूडेंट केवल जो ट्रांसलेशन में रुचि नहीं रखते बल्कि ट्रांसलेशन के साथ अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को भी ट्राई करना चाहते हैं या उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं, वे किस प्रकार अनुवाद के साथ साथ अनुवाद की जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मांग बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत हम दृश्य श्रव्य माध्यमों के संदर्भ में यदि मैं विशेष रूप से बात करूं, तो किस तरह वहां स्क्रिप्ट लेखन के माध्यम से वे न केवल अनुवाद कर सकते हैं बल्कि एक क्रिएटिविटी जो एक एक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, या यदि वे एक खास तरह की सृजनात्मक क्षमता रखते हैं तो अपनी सृजनात्मक क्षमता का अनुवाद के दौरान इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार वे विभिन्न मीडियाज के लिए, चाहे वो फिल्म राइटिंग के लिए हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, चाहे प्रिंट मीडिया के लिए हो, या अलग अलग जितने माध्यम हैं उनमें किस प्रकार वे स्क्रिप्ट लेखन करके अनुवाद और रूपांतरण दोनों का लाभ ले सकते हैं और उसमें किस तरह वो अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। और जो हम इन 3 पेपर्स में पढ़ाएंगे, उन 3 पेपर्स का ही एक तरह से हम कहें कि
जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दैट इज हमारा प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें हम परियोजना कार्य के अंतर्गत उन्हें एक टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे अपने छात्रों को जो इस कार्यक्रम में एडमिशन लेंगे, और उस टेक्स्ट का वे अपने अनुसार, जैसे मान लीजिए वे कहानी का चयन करते हैं, हिंदी की कहानी का चयन करते हैं, और उनसे हम कहते हैं कि आप इसका नाट्य रूपांतरण तैयार कीजिए अंग्रेजी में। हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं कि अनुवाद इसका मूल तत्व है, तो भाषाई अनुवाद भी इसमें भीतर रहे और प्रतीकात्मक प्रतीक अनुवाद भी, यानी कि जब वे कहानी ले रहे हैं तो उसका नाटक में किस तरीके से रूपांतरण होगा, यदि वे कोई और कंटेंट ले रहे हैं तो विज्ञापन के लिए किस प्रकार वे स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, या वे एक उपन्यास ले रहे हैं तो उपन्यास का फिल्म के लिए कैसे स्क्रिप्ट तैयार होगी, डॉक्यूमेंट्री के लिए कैसे स्क्रिप्ट तैयार होगी, उसके क्या जो वेरियस एस्पेक्ट्स है वो क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, इन सब की चर्चा हम इस पेपर के दौरान करेंगे। और इस परियोजना के अंतर्गत छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को, अपनी पसंद का एक टेक्स्ट चुनना होगा और उसका अडेप्टेशन करना होगा, और उस अडेप्टेशन के बाद उस पर एक ट्रांसलेटर या ये कहें कि अडेप्टर का एक जो नोट है वो लिखना होगा, और उसमें अपनी पूरी जो स्ट्रैटेजी है किस प्रकार उन्होंने ये काम किया वो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये 16 क्रेडिट का एक पायलट प्रोग्राम है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमें या हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इन फ्यूचर हम चाहेंगे, हमारा स्कूल ये चाहेगा कि इस तरह के और प्रोग्राम्स, डिटेल्ड प्रोग्राम्स हम बनाएं, ताकि हमारे छात्रों को अनुवाद की स्किल के साथ साथ अडेप्टेशन की स्किल में भी हम उन्हें ट्रेन कर सके, उन्हें स्किल दे सके, और ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद से संबंधित, रूपांतरण से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां भी अपनी स्किल को टेस्ट कर सके और उस क्षेत्र में भी ओरिएंट हो सके। जैसे कि ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ PGCER इज टू ट्रेन द लर्नर्स इन द स्किल ऑफ अडेप्टेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर वेरियस फील्ड्स लाइक फिल्म, थिएटर, मीडिया, पब्लिशिंग, लिटरेचर, एडिटिंग एटसेट्रा। तो इन सब क्षेत्रों में अनुवाद की जो मांग पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में बढ़ी है उसको केटर करने के लिए स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग का ये छोटा सा कार्यक्रम PG सर्टिफिकेट, PGCER यानी अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, एक छोटी सी कोशिश कर रहा है कि हम अनुवाद की दिशा में जो एक बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अनुवाद अब केवल एक भाषिक गतिविधि या लिखित गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके डायमेंशन बहुत अधिक बढ़ गए हैं। हम लिखित के साथ साथ ओरल डायमेंशन, उसके हम ऑडियो डायमेंशन, ऑडियो विजुअल डायमेंशन की अगर बात करें तो वो बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स अपनी स्किल को आजमा सकते हैं और अपने लिए भविष्य में कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं अनुवाद की दृष्टि से, और अपनी सृजनात्मक क्षमता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे टारगेट ग्रुप ऑफ लर्नर्स होंगे स्टूडेंट्स हु एम टू एंगेज देमसेल्व्स एट सेक्टर्स सच एज एकेडमिक्स, फिल्म मेकिंग एंड फिल्म स्टडीज, मास मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एडिटोरियल एंड पब्लिशिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, एज ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एरिया ऑफ रेजिडेंस, सोशल स्टेटस एटसेट्रा। तो ये एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। हमारे लर्नर्स, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो जो मेरा मेन फोकस है या हमारा स्कूल का जो एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग इग्नू में एस्टेब्लिश हुआ 2009 में, हम सभी ने ज्वाइन किया एज फैकल्टी यहाँ पर, और तब से लेकर आज तक अनुवाद और अनुवाद अध्ययन की दिशा में जितने नए परिवर्तन अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और अपने स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके माध्यम से उन सभी नए और निश एरियाज को टच करने की कोशिश करता है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एरिया है स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन अडेप्टेशन, जहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो अनुवादक अनुवादिकाएं हैं वे केवल एक मशीनी अनुवाद की तरह ही नहीं, बल्कि एक एक लाइवली, एक क्रिएटिव पर्सन की तरह ट्रांसलेशन में इंटरवीन करें और एक फ्रेश टेक्स्ट के साथ, एक अनुदित टेक्स्ट जो होगा लेकिन वो अपनी अपनी अपने क्रिएटिव डायमेंशन के कारण जो एक नई डिमांड लोगों के बीच पैदा हो रही है उस डिमांड तक पहुंचे, और स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज के माध्यम से इग्नू और हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपनी स्किल्स को आजमाएं। तो ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, एक छोटा सा उद्देश्य स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज लेकर हाजिर हुआ है, और हमारा दूसरा साइकिल एडमिशन का, और हम चाहते हैं कि और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इससे जुड़े
और जितना अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा, हमें अपने भीतर ये उम्मीद पैदा होगी कि हम अनुवाद अध्ययन की दिशा में जो नए जो दिशाएं जो अचीव कर रहे हैं, हम अगर मैं इसे कहूँगी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसलेशन स्टडीज की दिशा में बहुत नया काम हो रहा है और स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज इस बात का गवाह है, या कहें कि हम इसको एज अ स्टूडेंट एज अ लर्नर हम खुद इसको महसूस करते हैं कि पिछले 40-50 वर्षों में ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन स्टडीज के भीतर कितना विस्तृत काम हुआ है। और एमए ट्रांसलेशन स्टडीज से लेकर ये एक जो हमारा रिसेंट प्रोग्राम है, यहाँ तक हमने उन सभी नए डायमेंशन को टच करने की कोशिश की है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जो उसी एक डायमेंशन को लेकर बढ़ रहा है और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें और हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सटीक और सही सूचना आपने हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर की है, और आपने बहुत सही कहा है कि यह हमारा एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। और मैं आपके वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया, एडेप्टेशन। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे श्रोतागण दो मिलते जुलते से जैसे शब्द हैं, शायद उनमें कंफ्यूज करते हैं। उनकी स्पेलिंग में सिर्फ एक जगह पर ही अंतर है, एक शब्द है एडॉप्ट और दूसरा शब्द है एडेप्ट। एडॉप्ट ADOPT और एडेप्ट ADAPT, तो ओ और ए का अंतर है, लेकिन इस एक अक्षर के अंतर से अगर कोई व्यक्ति गलत शब्द कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेता है तो पूरा अर्थ बदल सकता है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे विद्यार्थियों को बताया कि इस प्रोग्राम को करने के बाद उनकी एडेप्टेशन की स्किल्स बढ़ेंगी। और हमारे सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अब मैं उनके साथ जस्ट शेयर करना चाहूंगा कि जो एडॉप्ट होता है ADOPT, उसका एक तरीके से हम ये अर्थ कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गोद लेना, अर्थात एक तरीके से यों का यों चीजों को स्वीकार कर लेना, एज इट इज, जैसी वो हैं उनको वैसा ही स्वीकार करना, उनको वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लेना। लेकिन जैसा मैडम ने बताया कि हमारा ये 6 महीने का जो बहुत छोटा सा खूबसूरत सा प्रोग्राम है, जिसमें अनुवाद और रूपांतरण के बारे में आपके अंदर योग्यताएं विकसित की जाएंगी, इसमें आपके अंदर एडेप्टेशन की स्किल्स भी उत्पन्न की जाएंगी। एडेप्टेशन ADAPT, तो ये एडॉप्ट से अलग है और इसकी स्पेलिंग जो है इंग्लिश में ADAPT होती है। और अगर हम सरल शब्दों में कहें एडेप्ट का मतलब क्या होता है, तो एडेप्ट का मतलब हम ये लिख सकते हैं एक तरीके से कि मुख्य रूप से चीज वो आपके सामने रखी हुई है, लेकिन जब आप उस सामने रखी हुई चीज को ग्रहण कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप ढाल सकते हैं, इस तरीके से कि उस वस्तु का जो मूल भाव है, मूल स्वरूप है, वो परिवर्तित ना हो, तो इसको हम एक तरीके से एडेप्टेशन कह सकते हैं। तो मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी विद्यार्थियों को और श्रोताओं को आपने बताया कि हमारे इस खूबसूरत 6 महीने के प्रोग्राम को करने के बाद उनके अंदर एडेप्टेशन की स्किल्स पैदा होंगी। उनको ये पता चलेगा कि अगर उन्हें मूल रूप से किसी वस्तु का स्वरूप बदले बिना उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलना हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको मोल्ड करना हो, उसको किसी दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना हो, और उसकी अगर स्क्रिप्ट लिखनी हो, तो वो किस प्रकार से कर पाएंगे, उसका अनुवाद कैसे करना है और उसका रूपांतरण कैसे करना है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि इस कार्यक्रम को करने के बाद हमारे जो विद्यार्थियों के लिए जो अलग अलग फील्ड्स हैं वहां पर उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, उसके बाद वो फिल्मों में अनुवाद और रूपांतरण के क्षेत्र में जा सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं, मीडिया हाउसेस में वो जा सकते हैं, मास मीडिया में उनकी बहुत आवश्यकता रहेगी, पब्लिशिंग हाउसेस में वो जा सकते हैं, लिटरेचर के फील्ड में वो जा सकते हैं, एकेडमिक्स के फील्ड में वो जा सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में वो जा सकते हैं। तो उनके लिए इस छोटे से 6 महीने के प्रोग्राम को करने के बाद, जिसकी न्यूनतम सीमा 6 महीने है और अधिकतम सीमा जिसकी 2 वर्ष है, तो इस प्रोग्राम को करने से मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों में बहुत सारी
स्किल्स डेवलप होंगी और उनके लिए रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो बहुत सारे फील्ड्स में रोजगार के मौके देने वाला ये बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इससे उनका रूपांतरण और अनुवाद में एक स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा। मैं इस बारे में आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। मैं आपके वक्तव्य को एक विद्यार्थी के तौर पर भी मैं साथ साथ सुन रहा था, तो एक विद्यार्थी के तौर पर मैम किसी भी बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है। आपने दो टर्म्स इस्तेमाल की, अनुवाद और रूपांतरण, मैम इन दोनों में क्या अंतर होगा? मुझे थोड़ा सा, हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं, अनुवाद और रूपांतरण में क्या अंतर है, और मैम थोड़ा सा ये भी बताएंगे साथ में कि इस प्रोग्राम को करने से हमारे विद्यार्थियों में ट्रांसलेशन की स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, और जो ट्रांसलेशन की जो एक सेट डेफिनेशन जो फील्ड में जो लोग उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं, मानकर चलते हैं कि ट्रांसलेशन का मतलब है उसको इंग्लिश को हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट कर देना, हिंदी को ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, तो मैडम हमारा जो ये अनुवाद और रूपांतरण जो हमारा प्रोग्राम है, ये ट्रांसलेशन की सेट डेफिनेशन से किस तरीके से अलग होगा? जी मैडम प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा आपने अडेप्टेशन को एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अडेप्टेशन का मतलब होता है टू मॉडिफाई, टू एडजस्ट, यानी कि जब हम किसी, और अनुवाद के संदर्भ में तो अडेप्टेशन के लिए ही हम हिंदी टर्म यूज करते हैं रूपांतरण। तो रूपांतरण भी मूलतः एक तरह से किसी पार्ट को नई सिचुएशन या नई परिस्थिति में अडेप्ट करना, यानी कि उसका अनुकूलन करना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम प्रेमचंद की कहानी लेते हैं और प्रेमचंद की कहानी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं या एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार वह कहानी, हिंदी कहानी हिंदी में रूपांतरित होगी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में, और उस रूपांतरण के दौरान अनुवादक या अनुवादिका या जो रूपांतरणकार है वे किस प्रकार उसका, उसके लिए एक फ्रेश स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, किस प्रकार उसे ये ध्यान रखते हुए कि किस तरह की ऑडियंस के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारा साहित्य हमारे पास ऐसा है जिसको हम उसके बाल संस्करण यानी चिल्ड्रन फॉर्म में भी तैयार करते हैं ताकि इजीली वो बच्चों तक पहुंच सके। उसी तरीके से हम बहुत सारा ऐसा लिटरेचर तैयार करते हैं जो अगर अपने स्वरूप में बहुत गंभीर है लेकिन उसको हमें अलग अलग तरह की ऑडियंस को पहुंचाना है, तो उसके हम अलग अलग रूप तैयार करते हैं ताकि हमारे टारगेट रीडरशिप या टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंच सके। तो रूपांतरण मूलतः वही काम करता है, और अनुवाद एवं रूपांतरण जैसा आपने कहा, बहुत वैलिड आपने सवाल पूछा और ये बहुत जरूरी सवाल है अनुवाद के संदर्भ में, खास तौर पर कि अनुवाद को लेकर अपनी एक सेट डेफिनेशन है कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच की जाने वाली गतिविधि है। यानी हम अनुवाद करते समय एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। रूपांतरण भी अनुवाद ही है, हम कहें कि अनुवाद का एक पर्याय रूपांतरण भी है, लेकिन रूपांतरण का और व्यापक अर्थ ये है कि हम उसमें केवल भाषिक अनुवाद ही नहीं करते बल्कि प्रतीकों का भी अनुवाद करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम विधाओं का अनुवाद भी करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कहानी मेरे पास है जो लिखित फॉर्म में है और उस पर अगर हम एक टेलीफिल्म बना रहे हैं या उस पर एक हम नाटक बना रहे हैं या कोई कविता है उस पर हम गीत बना रहे हैं या उसको विज्ञापन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है जो एक लिखित जो फॉर्म है हमारे पास, वह लिखित फॉर्म किस तरह रूपांतरित होकर अलग विधा में अलग ऑडियंस के लिए तैयार किया जाता है। तो जब वे अलग ऑडियंस के लिए तैयार किया जाता है तब वहाँ अनुवादक या अनुवादिका का काम केवल किसी पाठ को उठाकर एज इट इज ट्रांसलेशन कर देना नहीं है बल्कि उसके साथ उस अनुवादक या अनुवादिका की जो अपनी क्रिएटिव एबिलिटी है, अपनी जो सृजनात्मक क्षमता है, उसका भी परिचय वहां मिलता है कि किस प्रकार वे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, भाषा का ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, मीडियम को ध्यान में रखते हुए उस भाषा में किस प्रकार जरूरी परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार उसके संवादों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, किस प्रकार उसको एडजस्ट करते हैं इन अ न्यू फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली अनुवाद और रूपांतरण में मूल अंतर है। दोनों का मूल स्वभाव अनुवाद ही है लेकिन अनुवाद अपनी एक पारंपरिक परिभाषा में, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रॉपर कहते हैं, केवल दो भाषाओं के बीच की जाने वाली गतिविधि है, लेकिन रूपांतरण में हम भाषाओं के साथ साथ विधाओं का भी, विधांतर भी करते हैं, केवल भाषांतर नहीं करते बल्कि विधाओं में भी अनुवाद, विधा एक विधा से दूसरी भाषा विधा में भी टेक्स्ट को ले जाते हैं। तो ये भाषाई भी होता है, विधात्मक भी होता है, प्रतीक के स्वरूप में भी हुआ। तो इस तरीके से अनुवाद का ही अगला आयाम रूपांतरण है, जहां हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को जो हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे, उन्हें हम ट्रांसलेशन के साथ साथ, यानी ट्रांसलेशन प्रॉपर के साथ साथ, अडेप्टेशन की स्किल्स देने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वे किसी पाठ को या किसी रचना को
उस पर जो स्क्रिप्ट राइटिंग करे तो कैसे करे, या उसे जब अडेप्ट करे एक डिफरेंट मीडियम के लिए तो उसमें वो किन किन सावधानियों का ध्यान रखे। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने इस प्रोग्राम के तहत करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत विस्तार से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे मस्तिष्क में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि अनुवाद और रूपांतरण में क्या अंतर रहेगा, और एडेप्टेशन की स्किल्स अगर मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ तो एडेप्टेशन की स्किल्स और रूपांतरण की स्किल्स किस प्रकार से मैं हासिल कर पाऊंगा। और आपकी बातों से और पांडे सर की बातों से ये चीज तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 6 महीने का प्रोग्राम है, फीस भी ज्यादा नहीं है, और विशेष तौर पर ये हमारा 6 महीने का कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो अनुवाद में दिलचस्पी रखते हैं, रूपांतरण में दिलचस्पी रखते हैं, ट्रांसलेशन में जाना चाहते हैं, और खास तौर पर अगर किसी हमारे विद्यार्थी ने जिन्होंने ऑलरेडी अगर कोई भाषा में अगर कोई अपनी स्किल की हुई है, जैसे किसी ने अगर बीए में इंग्लिश हिंदी पढ़ा हुआ है, जो कि ज्यादातर विद्यार्थी हमारे बीए में इंग्लिश हिंदी पढ़ते ही हैं, और साथ में अगर किसी ने बाद में एमए लेवल पर भी जाकर अगर हिंदी भाषा में अगर उन्होंने एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, या इंग्लिश भाषा में अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया है, तो जो जो भाषा से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर हमारा यह कार्यक्रम उनके बहुत काम आने वाला है। तो आपने जी मैडम, इसके साथ सर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने भाषा के कार्यक्रम कहा, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स मीडिया से जुड़े हुए, तो मीडिया के स्टूडेंट भी एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम होगा, जहाँ वे जो जो स्किल वो वहाँ प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ अनुवाद पर अक्सर बातचीत कम होती है, तो अगर इस एंगल को भी अगर उसमें हम डालें कि किस प्रकार मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद की क्या भूमिका होती है, और साथ ही रूपांतरण किस तरह अपनी भूमिका निभाता है, किस प्रकार ट्रांसलेशन एंड जर्नलिज्म जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा और वैल्यू एडिशन का काम करेगा जरूर। जी मैम, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी है मैम, और मैं इससे एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे जर्नलिज्म के प्रोग्राम्स से जुड़े हुए हैं, वो साइमल्टेनियसली पैरेलल भी वो हमारे इस पीजीसीएआर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, तो उनकी जो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो भी पैरेलल चलती रहेगी, और इधर अनुवाद और रूपांतरण से संबंधित स्किल्स भी वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ही टाइम में उनके अंदर दोनों योग्यताओं को विकसित करने का एक एक कॉम्बो पैक जैसा ये एक पैकेज उनको मिल सकता है, और हमारे विद्यार्थियों को एक ही समय में दो प्रोग्राम्स करने की सुविधा हमारी यूनिवर्सिटी देती भी है, और ये हमारे इग्नू के कॉमन प्रोस्पेक्टस में प्रिंटेड भी है कि हमारे विद्यार्थी चाहें तो 6 महीने का एक प्रोग्राम साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन के तहत आराम से कर सकते हैं, इट इज लीगली वैलिड। तो हमारे इस कार्यक्रम को जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके अंदर ये प्रोग्राम करने की रुचि निश्चय ही उत्पन्न हुई होगी, और शायद कोई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्या करना है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विद्यार्थियों को अपनी स्क्रीन शेयर करके उनको हमारा एडमिशन पोर्टल में दिखाना चाहूंगा, और साथ में मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनको और कहां से मिल सकती है। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर गूगल का होम पेज देख रहे होंगे। मैम मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम गूगल का होम पेज मैम दिखाई दे रहा है? दिख रही है सर, दिख रही है जी। जी जी, थैंक यू मैम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे आप देख रहे हैं, आप जैसे गूगल के सर्च बार में आप कोई भी आप यहां पर जैसे आप टर्म सर्च करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए आप यहां पर इग्नू डालकर जब इसको एंटर प्रेस करते हैं तो गूगल आपको हमारी इग्नू की वेबसाइट पर ले जाता है, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी। ऊपर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर वेब लिंक आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो गूगल आपको हमारी यूनिवर्सिटी के होम पेज पर ले जाता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो आप देख रहे हैं, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, और हमारी यूनिवर्सिटी को नैक ने A++ ग्रेड दिया हुआ है जो कि हाईएस्ट ग्रेड है, और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमारी जो बहुत फ्लेक्सिबल हमारा सिस्टम है,
बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे लोग हमारी एजुकेशन से, हमारी जो स्पोर्ट सर्विसेज हैं उनसे फायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारा नैक का A++ का लोगो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को यहाँ जो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर ऑनलाइन, इसमें फ्रेश एडमिशन लिंक पर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप फ्रेश एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो फ्रेश एडमिशन का पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। और अगर हमारे विद्यार्थी, जैसे ज्योति मैडम ने आपको प्रोग्राम की डिटेल्स दी हैं, अगर आप कोई दोबारा से अगर हमारे इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को क्लिक करके आप यहाँ पर अगर PGCAR अगर आप यहाँ पर ये कोड डाल देंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पे दिखाई दे जाएगा PGCAR डालने के बाद। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ प्रोग्राम का नाम है PG सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। ये सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में हम इसे आपके सामने ऑफर कर रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन जैसे मैडम ने बताया था 6 महीने की है, और मैक्सिमम आप इसको 2 साल में कवर कर सकते हैं। इसका मीडियम हिंदी रहेगा, और आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो अनुवाद एवं रूपांतरण में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन विस्तार से देख सकते हैं। और जैसे मैम ने बताया था एलिजिबिलिटी इसकी, आपको किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आप हमारा 6 महीने का यह प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर इसका, जैसे मैम ने बताया था, इसकी प्रोग्राम फीस 3,000 रुपए है, और एडमिशन के टाइम पर आपको 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस साथ में एड करके आपको 3,300 रुपया कुल फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जैसे मैम ने अभी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, मैम ही इस प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर ज्योति चावला। यहाँ पर आप मैडम का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, और यहाँ पर मैडम का लैंडलाइन फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और मैम ने जिन कोर्सेज के बारे में अभी आपको जानकारी दी थी, चारों कोर्सेज की डिटेल यहाँ पर है। 16 क्रेडिट का 6 महीने का ये एक बहुत ही प्यारा सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, और मैं खुद भी इस प्रोग्राम की डिटेल्स से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत कन्विंस्ड हूँ कि यह प्रोग्राम हमारे अंदर ट्रांसलेशन से रिलेटेड, अनुवाद एवं रूपांतरण से रिलेटेड ऐसी स्किल्स डेवलप करने वाला प्रोग्राम है जिसके बाद हमारे सामने अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अनेकों मौके, हमारे सामने अनेकों रास्ते खुल जाएंगे। तो ये प्रोग्राम इंफॉर्मेशन है, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, मैं यहाँ पर उनको एडमिशन पोर्टल यहाँ पर होम पे जब आप दबाएंगे तो आप हमारे इस होम पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप 2 वीडियोस हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ अपलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आप यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो दिखाई देगा जिसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ इस लिंक को क्लिक कर दीजिएगा, और छोटा सा वीडियो है वो आपको पूरा बता देंगे कि आप किस प्रकार से अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी ने कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दिया है, आप कॉमन प्रोस्पेक्टस जरूर डाउनलोड करके उसको भी जरूर पढ़ें। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको किन दिशा निर्देशों का पालन करना है, तो इनको भी एक बार आप जरूर पढ़ें। यहाँ 5th पॉइंट पर दिया हुआ है कि जब आप दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपके पास क्या क्या चीजें तैयार होनी चाहिए। आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 100 KB से कम फाइल साइज का, आपके पास आपके सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी होनी चाहिए जिसका फाइल साइज 100 KB से कम हो। इसके अलावा आपके पास एज प्रूफ जैसे 10वीं और 12वीं का मार्कशीट आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आपकी रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में ग्रेजुएशन दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस पेज पर आप पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करना पड़ेगा। एक बार आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जब आप फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप हमारी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे
हमारे विद्यार्थियों को कहीं नहीं जाना है, जैसे मैंने आपको एडमिशन पोर्टल खोलकर दिखाया, इग्नू की वेबसाइट पर आप जाएं, रजिस्टर ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन, और वहां पर आप वीडियोस देखें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको किन किन स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था आज हमारी तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को यह प्रोग्राम और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो जानकारी है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे विद्यार्थियों को लग भी रहा होगा कि 6 महीने का वक्त ज्यादा भी नहीं होता है और फीस भी ज्यादा नहीं है, और इसमें आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी, और ये आपको आपके कैरियर में नए मुकाम, आपको नई ऊंचाइयां छूने में मदद कर सकता है। तो अब हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं अपनी तरफ से ज्योति चावला मैडम का भी थैंक्स अदा करना चाहूंगा, और पांडे सर का थैंक्स अदा करते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस कार्यक्रम के लिए कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे विद्यार्थियों को जरूर दें, और अपना आशीर्वाद भी साथ में जरूर दें, ताकि हमारे विद्यार्थी इस प्रोग्राम में एडमिशन लें और अपना कैरियर बनाएं। जी पांडे सर प्लीज। बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी, ये रोचक प्रस्तुतिकरण था, और निश्चय ही आप लोग बधाई के पात्र हैं, विशेष रूप से शर्मा जी और हमारी सहकर्मी डॉक्टर ज्योति चावला जी। विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए इसकी उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई है, आशा है हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में ये लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें, क्योंकि ये रोजगारोन्मुख भी है और बहुत रोचक है, ज्ञानवर्धक है, स्वरोजगार की संभावनाएं भी उत्पन्न करता है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज भी है, फ्रीलांसिंग की जा सकती है, और बहुत से इंडस्ट्रीज के साथ ये जुड़ करके, इतने सेक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट जो आपने बताया, मीडिया है, इसके अलावा जो थिएटर है, इन सब के साथ इसका सीधा सरोकार है, साहित्यिक क्षेत्र तो है, पुस्तक प्रकाशन, जो इसके साथ साथ ये कार्यक्रम जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इनके कुछ हिस्सों को भी ये छूता है, तो एक साथ ये कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और हमारे विद्यापीठ द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी वो रुचि दिखाएं, विशेषतः MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, ये ऑडियल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से है संचालित हो रहा है। इसके अलावा हमारे दो अन्य जो रीजनल लैंग्वेज पेयर्स हैं, बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन, मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन, उस पर आधारित जो PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वे रुचि दिखाएं। सूक्ष्मताएं बहुत हैं, बहुत स्पेसिफिक माइक्रो स्टडीज के तौर पर, जैसे आपने रोचक बातें की हैं, बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह अवसर नहीं है। मैं एक जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने इस कार्यक्रम पर आधारित एक ये आयोजन किया है, वैसे ही हमारे अन्य कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए, खासतौर से प्राथमिकता के आधार पर MA ट्रांसलेशन स्टडीज, और फिर जो PG डिप्लोमा इन सिंधी हिंदी ट्रांसलेशन, अन्य कार्यक्रम जो हैं, इन पर भी अगर कुछ आप इस तरह का आयोजन करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें, इसके प्रचार प्रसार में जो आप योगदान आगे बढ़ा सकें, बहुत धन्यवाद रहेगा। विद्यापीठ अपनी ओर से जो प्रयास आप कहेंगे, जितना सहयोग होगा, हर स्तर पर हम तत्पर हैं, और तुरंत बिना विलंब के हम अपनी सभी तरह की सेवाएं देने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का आयोजन करने के लिए। जी सर धन्यवाद, और सर जैसा आपने कहा है, हम SOTST के बाकी प्रोग्राम्स पर भी जरूर फोकस करेंगे, और इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड थैंक्स मैडम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद मैडम।